वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी का आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं नहा ली हूँ, अच्छे से फ्रेशन अप हो गई हूँ और अभी लड्डू गोपाल को भी स्नान कराऊंगी, तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले मैं ड्रेसेस है यहाँ पे, ये देखिए ड्रेसेस अच्छा वाला ग्रीन कलर का है और ये मुकुट है, साथ में ये है आसन, माला और थोड़ा बहुत ज्वेलरी है। तो चलिए फिर कराते हैं स्नान हमारे लड्डू गोपाल को। देखिए मेरे लड्डू गोपाल इतने छोटे से है ना, तो इनको स्नान कराते हैं और इनको रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा फ्लावर रखी हूँ और अब रख देते हैं लड्डू गोपाल जी को। मैं लगा ले रही हूँ चंदन का लेप। चंदन का लेप लग गया है और अब मैं इसमें डालूंगी ये दूध, कच्चा दूध। और अब डाल रही हूँ गंगा जल। स्नान हो गया है। लड्डू गोपाल को बिल्कुल रेडी कर दी हूँ और कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए
लग रहा है ना बहुत प्यारे छोटू से मेरा लड्डू गोपाल है तो इनको झूला में मैं रखूंगी पहले झूला को सजा लेते हैं अच्छे से उसके बाद तो तब तक मैं इनको ऐसे ही भगवान रूम में रख के आती हूँ। तो है मेरे पास ये झूला ये अच्छे से उड़का है आई थिंक अंदर में उड़का है बट ऊपर से ऐसे डेकोरेट किया हुआ है ये और इसके अंदर ये है जिसपे बैठेंगे एक लड्डू गोपाल जी तो इसको इसमें हैंग करना होता है इस तरह से ये देखिए ये तो है ना लटकन बाहर आएगा ऐसे होगा तो इसको मैं अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट कर लेती हूँ और प्रिंट दिखाती हूँ। डेकोरेशन विथ लाइटिंग्स बैठ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल इस पे अब थोड़ा झूला झुला देती हूँ और इवनिंग में हम लोग थोड़ा जल्दी पूजा कर लिए हैं क्योंकि मोमेंट को कहीं जाना था और वो बहुत लेट आएंगे रात में तो इस वजह से मैं अभी ही पूजा कर ली हूँ साथ में और मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल मस्त होके झूला पे बैठे हुए हैं ये देखिए। तो बस ऐसे ही सिंपल वे में सेलिब्रेट की हूँ जन्माष्टमी मन से सेलिब्रेट करना मोर इम्पॉर्टेंट है और भगवान जी को झूला पे झुलाना तो इम्पॉर्टेंट है ही तो वो तो मैं झुला दी हूँ अच्छे से और झुलाती रहूँगी आई थिंक रात में जब तक मैं जगी रहूँगी वैसे तो रात को 12 बजे तक एटलीस्ट जगना चाहिए क्योंकि रात को 12 बजे ही उनका जन्म होता है तो 12 बजे तक मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि जगी रहूँ ताकि भगवान का थोड़ा पूजा कर लूँ लड्डू गोपाल को थोड़ा खिला लूँ थोड़ा झूला झुला दूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँ। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ सिंपल सा छोटा सा व्लॉग था सिर्फ जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ कैसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ बस इतना सा ही व्लॉग था आज का। तो मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए
और जिनको ब्लॉग देखना पसंद है, डेली ब्लॉग देखना पसंद है, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, वो भी मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सके। थैंक यू सो मच अभी तक जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे अपने लाइफ के मोमेंट्स शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी।